मुमकिन तूफानी बारिशों के पेश नज़र जिले इंतजामिया नागन चुरंगी पर इंतजामिया की जानिब से कश्तियों और दीगर मशीनरी के साथ अमले की भी तैनाती कर दी गई है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फैयाज़ बुखारी इस वक्त नागन चुरंगी पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। फैयाज़ बुखारी बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, शहर कायद की जो आवाम है वो इंतज़ार कर रही है बारिशों का, और कुछ लोग जो हैं वो कुछ हद तक दुआएं भी करते नज़र आ रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तूफ़ान ना ही आए तो बेहतर होगा। लेकिन उसी के पेश नज़र जो कि तूफ़ान का कहा जा रहा है कि आज या कल में जो है वो कराची में आ सकता है, इसी की मुनासबत से जो कराची शहर है वो हाई अलर्ट हुआ हुआ है। और इस वक्त हम नागन चुरंगी पर मौजूद हैं जो हर साल जो है वो डूब जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जानिब से जो है वो इकदाम किए गए हैं। डीएमसी की जानिब से ट्रक भी मंगाए गए हैं, बोट्स भी का भी अहतमाम किया गया है, जबकि जो हैवी मशीनरी है उसे फौरी तौर पर पहले ही ला कर यहाँ रख दिया है कि अगर खुदा न खास्ता शहर कायद में तूफान अगर रुख कर लेता है तो फौरी तौर पर इंतजाम से जो है वो निपटा जा सके। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, और इस जगह भी हल्की सी जो है वो फुहार पड़ती और बूंदाबांदी हमें महसूस हो रही है, जबकि हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। चेहरे का फैयाज़ बुखारी बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।